गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी दास आर्यदहा नौदापाड़ा हॉली चाइल्ड विद्यालय से। आज मैं कक्षा सात के लिए व्याकरण भाग से सर्वनाम पाठ का विशेष अध्ययन कराऊंगी। मैं आप लोगों को पहले इससे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि कक्षा सात में पाठ्यक्रम में संज्ञा और उसके बाद सर्वनाम शब्द को पढ़ना है। सर्वनाम के तथा उसके भेद के बारे में आप लोगों को जानना है। सर्वनाम को बताने के पहले मैं आप लोगों को पहले संज्ञा से थोड़ा परिचय कराऊंगी, उसके बाद हम लोग सर्वनाम शब्द के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि संज्ञा शब्द, जिसे इंग्लिश में आप लोग नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, नाम वाले शब्द को संज्ञा के नाम से परिचित किया जाता है। लेकिन सर्वनाम शब्द वास्तव में है क्या? तो सर्वनाम शब्द ऐसे शब्द जिन्हें संज्ञा के स्थान पर वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। मीन्स कि संज्ञा वाले शब्द नाम वाले शब्द के जगह पर जिन शब्दों को हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, वैसा, जैसा, ऐसे शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब बात है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के कुल छह भेद होते हैं। सर्वनाम शब्द के छह भेद होते हैं और वे भेद कौन कौन से हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स की पर्सनल प्रोनाउन जो आप लोगों ने पढ़ा है आई यू, उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि मैं, हम, है ना। दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। निश्चयवाचक मीन्स की जिस चीज के लिए हम लोग श्योर है। तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। मीन्स की जिस चीज के बारे में हम लोग श्योर नहीं होते हैं, हम लोगों को अंदाज सही नहीं होता है, वैसे सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। मीन्स कि शब्दों का संबंध प्रतिस्थापित करने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक मीन्स कि जिससे प्रश्न का बोध हो। और छठा तथा अंतिम भेद है नीचवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और क्या बोल रही हूँ आप लोगों को, मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो टॉपिक है सर्वनाम। यानी कि बोलने वाली मैं हूँ, सुनने वाले आप लोग हैं, और यहाँ पर टॉपिक है सर्वनाम। इसका मतलब जहां पे बोलने वाला यानी कि वक्ता, सुनने वाला यानी कि श्रोता, और जिसके बारे में कहा जाए, चाहे वो कोई सजीव चीज हो या फिर निर्जीव चीज हो, यानी कि श्रोता, वक्ता और कोई अन्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। फर्स्ट मतलब कि पहला भेद होता है उत्तम पुरुष, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्तम पुरुष। जैसे मैं जीत गया, यानी कि मैं अपने बारे में बोल रही हूँ ना, कि मैं जीत गई या जीत गया। मीन्स कि वक्ता मैं हूँ और मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो आई या वी, ओके। फिर है सेकेंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है श्रोता, यानी कि सुनने वाला। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं तुम कैसे हो, यानी कि मैं वक्ता हूं और तुम श्रोता,
श्रोता हो, प्रश्न मैं तुमसे कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और तुम सुन रहे हो, तो ये तुम जो है ये क्या है? मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर मैं आज कक्षा में पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को बोलूं कि सौरभ बीमार है, यहाँ पर सौरभ है संज्ञा शब्द, मैं तुरंत फिर बोलती हूँ सौरभ बीमार है, वह आज कक्षा में नहीं आएगा, यानी कि संज्ञा शब्द है सौरभ और सौरभ के जगह पर मैं क्या उपयोग कर रही हूँ, सर्वनाम शब्द क्या उपयोग कर रही हूँ, वह नहीं आएगा, यानी संज्ञा शब्द है सौरभ और सौरभ के जगह पर मैं प्रयोग की हूँ वह, यानी कि मैं हुई फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मैं बोल रही हूँ कि सौरभ बीमार है, आप लोग सुन रहे हैं कि सौरभ बीमार है और मैं बोल रही हूँ वह नहीं आएगा, यानी वह यहाँ पर है अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीन भेद पूर्ण हुए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सौरभ बीमार है, वह आज कक्षा में नहीं आएगा, यानी कि संज्ञा शब्द है सौरभ और सौरभ के जगह पर मैं क्या उपयोग कर रही हूँ, सर्वनाम शब्द क्या उपयोग कर रही हूँ, वह नहीं आएगा, यानी संज्ञा शब्द है सौरभ और सौरभ के जगह पर मैं प्रयोग की हूँ वह, यानी कि मैं हुई फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मैं बोल रही हूँ कि सौरभ बीमार है, आप लोग सुन रहे हैं कि सौरभ बीमार है और मैं बोल रही हूँ वह नहीं आएगा, यानी वह यहाँ पर है अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीन भेद पूर्ण हुए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनिट प्रोनाउन। मीन्स कि अगर किसी चीज के बारे में हम लोग श्योर होके बोलते हैं, एकदम निश्चित होकर बोलते हैं, वैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं बोलूं ये गेंद गुलाबी रंग की है या इस गेंद की रंग गुलाबी है, कहने का मतलब मैं एकदम श्योर होके बोल रही हूँ कि ये गेंद जो है ये किस रंग की है, गुलाबी रंग की है, ये लाल नहीं है, ये हरी नहीं है, पीली भी नहीं है, ये गुलाबी ही है, यानी कि मैं जो शब्द यूज कर रही हूँ इस गेंद के लिए वो कौन सा शब्द है, ये। तो ये यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं ये कलम मेरी है, अगर मैं आप लोगों से, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, मैं अगर बोलूं ये कलम मेरी ही है, मीन्स कि ये मेरी ही कलम है और जो दूसरी कलम रखे हुए हैं वो कलम मेरी नहीं है, मेरी कलम ये है, यानी मैं इस कलम के बारे में श्योर होके बोल रही हूँ कि ये कलम मेरी है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ये पुस्तक मेरी है, अगर मैं बोलूं ये पुस्तक मेरी है, मीन्स कि यहाँ बहुत से पुस्तक रखे हुए हैं लेकिन मैं पर्टिकुलर इसी पुस्तक के बारे में बोल रही हूँ कि ये मेरी है, तो ये शब्द जो है ये निश्चित वाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि ऐसे शब्द जिसके बारे में हम लोग श्योर नहीं हो, है ना, हम लोग अनिश्चित हो। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि शायद मेरी माँ बाजार गई है, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि शायद मेरी माँ बाजार गई है, मतलब मेरी माँ घर से बाहर निकली है, लेकिन एक संभावना है जहां पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं निश्चित नहीं हूँ, मैं अंदाज से बोल रही हूँ कि माँ शायद बाजार गई है, तो ये जो शायद शब्द है, ये शायद शब्द क्या है, अनिश्चितता का संकेत संकेत कर रही है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर मैं बोलूं थैले में कुछ रखा है, यानी कि थैला है, एक थैला घर में है, थैले में बहुत सारा सामान है, लेकिन क्या है थैले,
गले में सब्जी है या फल है या कोई कुछ और सामान है उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, अनिश्चित हूँ, लेकिन मैं अपने अंदाज से बोल रही हूँ कि थैले में कुछ रखा है। क्या रखा है मुझे नहीं पता है। तो ये कुछ शब्द, शायद, ये जैसे शब्द हैं कुछ, शायद, है ना, कोई, ये सारे शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जो दो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलू अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे, मीन्स कि आप अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे, तो अगर और तो ये दोनों सर्वनामिक शब्द है और इन दोनों शब्द में संबंध स्थापित हुआ है, एक रिलेशन बना है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे। ठीक है, उसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, मींस कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, आप बुरा करोगे तो बुरा पाओगे, तो मैंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी, मींस जैसी और वैसी, ये दोनों सर्वनामिक शब्द आपस में संबंधित हो गए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा। ठीक है, पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का पांचवा भेद है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मींस कि प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न का बोध हो, प्रश्न के बारे में पता चले। जैसे मैं पूछूं तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया, तुम कहाँ से आए हो, तुम कब जाओगे, तो ये जो कब, कहाँ, क्यों, ऐसे शब्द जिससे प्रश्न का बोध होता है, यानी कि क्वेश्चन के बारे में पता चलता है, वैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी हम लोग सर्वनाम का आखिरी भेद और छठा भेद, छठा भेद है नीचवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नीचवाचक, नीच, ये नीच का मतलब होता है अपना, जो खुद से रिलेटेड हो, नीच का मतलब होता है अपना, जो खुद से रिलेटेड हो। जैसे मैं अगर बोलू मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मतलब कि अपना काम मैं खुद से करती हूँ, तो ये जो खुद, स्वयं, अपने लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं, है ना, तो ये जो खुद, अपना, स्वयं, इस तरह के शब्द हैं, ये नीचवाचक सर्वनाम को बोधित करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं तुम अपना गृह कार्य खुद से करो, मींस कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अपना गृह कार्य, मींस होमवर्क, खुद से करो, मींस अपने आप करो, तो खुद से और अपने आप, ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, नीच, नीच का मतलब होता है अपना, तो खुद, स्वयं, अपने आप, है ना, ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं नीचवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह से ये सर्वनाम पाठ शेष हुआ और इस पाठ का गंभीर अध्ययन करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।